आर कनेक्टेड डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी। अब आज से आप एक अलग ही ऊर्जा को महसूस करेंगे, इस मदर ऊर्जा, मदर एनर्जी। अब हम माता की पूजा, पाठ, ग्रंथ, इन सबको हम एक तरफ करेंगे। हम तो हमारी एनर्जी को अपने शरीर से कनेक्ट करेंगे। जिस प्रकार पहला दिन आप वो शैलपुत्री, अगर आपसे कोई नवरात्रि के बाद 10 दिन बाद 20 दिन बाद कोई पूछे तीसरा दिन किसकी माता का होता है, भूल जाते हो आप। ये तो माताओं के नाम में वह एक ही रूप है, कमरा है, बेडरूम है, कोई भी किसी का भी हो लेकिन बेडरूम है, ऑल आर द एनर्जीज आर सेम। बट इस पर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट आज मैं आपसे बहुत नई बात बोलने जा रहा हूं। सो हमने देखिए एक बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं, इसका बहुत वर्थ भी है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। हो सकता है पहले बासु मस्ट बी अवेयर, आप मुझे बताना ये चीज पहले कही कि नहीं किसी ने। देखिए गणेश की स्तुति चालू की, 10 दिन की गणेश चतुर्थी उत्सव चालू हुआ, उसमें हमने दुर्वा चढ़ाई, हरि है ना, प्रणाम करते हुए अलग अलग मतलब बताए कि भाई हाथी को अच्छा लगता है, दुर्वा नशीली होती है वो अलग। भारती जी हमने आपको कोहोस बना दिया, किसी को भी आए तो आप एड कर लेना। अब दूसरी बात जो विशेष है, जब 10 दिन गणेश चतुर्थी के खत्म हुए, when the 10 days finish of the Lord Ganesha, the lower part of, dry part of Durva is called Kusha. And further 15 days, we offer Tarpan with the ring of the Kusha, वो कुशा के भाग की अंगूठी बनाकर कुशा को लेकर हम अपने देवों को, अपने ऋषियों को, अपने पितरों को हमने तर्पण किया। एंड फ्रॉम नवरात्रि अगेन वी आर पोरिंग द सीड फॉर देन ग्रीन दुर्वा, जिसको हम ज्वारा कहते हैं, ज्वारे। देखिए कितने विज्ञान भी इसको प्रणाम करेगा जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि दुर्वा पहले हमने चढ़ाई ना, प्रकृति की चीज ली, वो टूट गई, नुकसान नहीं किया। नीचे के दुर्वा सुरखा पाठ को भी हमने दुर्वा बनाकर अपने पितरों को समर्पित किया, और जो दुर्वा हमने ली है, उपयोग में ली है, उसको हम वापस रोपते हैं नवरात्रि के रूप में। हाउ मेनी आर कन्विंस बासु, आई लाइक योर कमेंट्स। Are you here, Basu? Is it impact of planetary? कुछ connection है इसका? Basu, are you getting my voice? I think you are not here. Okay. तो ये चीजों को आप थोड़ी गहरे से समझिए। माता की आराधना, घंटी लेके पूजा पाठ, मैं प्रणाम करता हूं इन सबको। आज आरती कर रहे होंगे आप लोग, आरती की विधि भी मैंने आपको देखे रखी। तो देखिए जो हम प्रकृति से ले रहे हैं हमें लौटाना भी है, अगर नहीं लौटाएंगे तो एक कर्जा बन के आपको नेक्स्ट बर्थ में रीपे करना पड़ेगा। ये नेचर आल्सो लाइक ए बनिया, दे आल्सो वांट व्हाट एवर यू आर डिलीवर यू टू टेक। ओके, तो आज से देखिए अधिकांश घरों में ज्वारे बोए गए हैं। ज्वारे मतलब उनके माध्यम से धीरे 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 मां 9 दिन की प्रकट होती है, हरे हरे दवारे होते हैं वो आपते पा सकते हैं। तो उसी क्रम में प्रकृति में भी पुनः वर्षा के बाद आगमन चालू होता है। आज का दिन मां शैलपुत्री, अब उनके हाथ में क्या है, काय के सवार है, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। फर्स्ट डे ऑफ द नवरात्रि जस्ट लाइक ए 9 मंथ ऑफ ए चाइल्ड। जिस प्रकार 9-10 दिन 9 माह बच्चे का निर्माण होता है, उसी प्रकार 9 माह में ये नवरात्रि होती है।
चार नवरात्रियां होती हैं, क्यों होती है चार नवरात्रि, कोई बता सकता है? एनीबॉडी कैन हेल्प मी व्हाई देयर आर नाइन फोर नवरात्रि, कोई बताएगा? बताइए भारती जी। चार ऋतुएं, प्रणाम गुरु जी, चार ऋतुएं होती, जो जब ऋतुएं चेंज होती तो उसी समय नवरात्रि आती है हर ऋतु के बाद। वेरी गुड वेरी गुड। कोई और बताएगा इसको और संशोधित करेगा? एनीबॉडी एनीबॉडी व्हाई द नवरात्रिस कम फोर नवरात्रिस? राइट, आई एम कमिंग ऑन द आंसर। देखिए नवरात्रि क्या होता है, जो दो ऋतुओं का मिलन होता है, एक ऋतु बदल के जो दो दूसरी ऋतु में आके जिस प्रकार मौसम होते हैं बदलते हैं, नौ दिन उस मौसम में एडजस्ट होने में लगता है। जिस प्रकार हमारा नवजात बच्चा बोले भैया पहली सर्दी है इसकी, तो अरे भैया इसकी पहली बरसात है, अरे पहली गर्मी है, उसी प्रकार नवरात्रि में चार नवरात्रियां आती हैं, दो गुप्त होती हैं, दो सामान्यतः हमारे जैसे लोगों के लिए करने के लिए होती है, गृहस्थ वालों के लिए। वह नवरात्रि एक संदेश देती है कि दो ऋतुओं का मिलन है। क्लियर हुआ? मैं नवरात्रि की परिभाषा केवल प्रायोगिक भाषा में, ना संस्कृत के श्लोकों में, ना उच्चारण में, ना कोई पाठ के माध्यम, केवल आपकी भाषा में समझाऊंगा। एनीबॉडी हैव द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? एक ऋतु बदलती है तो दूसरी ऋतु का जो समय आता है हमारे हिंदी पंचांग के हिसाब से, वह नौ दिन एक नवरात्रि के होते हैं। और नवरात्रि नाइन नाइट्स, ध्यान रखिएगा यहां पर, नाइन नाइट्स नवरात्रि, उसके आगे आता है महाशिवरात्रि। वेद रात्रि इस वर्ड यूज कम, रात्रि का मतलब हमारा शरीर एक रात्रि को जिस प्रकार विश्राम करता है, हर रात्रि को हम सोते ही ना, ये संदेश आता है। कुछ रात्रियां ऐसी कि इसको जागरण करके डेडिकेट करो साधना से, तो सामान्यतः आप देखें नवरात्रि में महाशिवरात्रि जागरण होता है, नवरात्रि का माता का जागरण होता है। माता का जागरण रात में क्यों होता है? दो दो तीन तीन चार चार बजे चलता है भाई, जगना है रात को, माँ आएगी घर में चलेगी, सब ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी को, वेन एवर योर बॉडी, यू हैव टू डिटॉक्स योर बॉडी। ये नौ दिन आपके शरीर के विशुद्धिकरण के काम आते हैं। आज का दिन चूंकि शैलपुत्री का दिन, अब शैलपुत्री व्हाट इज टोटली आई एम कमिंग ऑन द बारा विद्या, इट्स फर्स्ट डे ऑफ योर रूट चक्र। बच्चे का भी जब जो मुठ बनती है जिसको बोलते हैं ना पहले मंथ में, तो वो टेल बोन ही है, तो फर्स्ट डे टेल बोन बनती है, तो मूलाधार चक्र का आपके शरीर में सबसे पहले निर्धारण होगा। आप विज्ञान कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। तो आज का प्रथम दिन आपका आज का शैल पुत्री के नाम से, एक हाथ में ये है एक हाथ में माला, वो सब छोड़ो। आपको एक दिन करने के बाद चौथे दिन बाद में आपसे नवरात्रि के बाद दिवाली में पूछूं कि माँ ब्रह्मचारिणी के सभी हाथों में क्या है, एक हाथ में माला एक हाथ में कमंडल, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको वो ज्ञान देना चाहता हूं जो आपके साथ सदा रहे। नवरात्रि का पहला दिन आपका मूलाधार चक्र, यस, देवी कवच पढ़ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, इट इज ओनली वन टाइप एंड आई एम गिविंग वन, कि जो भी पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, आज के दिन अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर करें। अगर आप देवी कवच पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, आज का ध्यान वहां पर पड़े मूलाधार। कल हम सेक्रल चक्र पे, स्वाधिष्ठान चक्र पे आएंगे। इसी प्रकार नौ दिन में हम तीन कैटेगरी में बांटा, पहले तीन दिन तमस के होंगे, दूसरे दिन तीन दिन रजस के होंगे, और आखिरी में सप्तमी अष्टमी नवमी एक सत्व की होगी। क्लियर? क्लियर हुआ? ओ माय गॉड, एनीबॉडी आर एबल को नवमी? आप समझ रहे ना मुझको, आप समझ रहे ना मुझको मेरी बातचीत को, है ना? तो माता का प्रथम दिन है, मैं बड़ी प्रायोगिक भाषा में आपसे बात कर रहा हूं, कोई संस्कृत के श्लोक उच्चारण के साथ नहीं कर रहा हूं।
वह भी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण भी अपने पराविद्या के साथ करोगे, अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान रखोगे, तो आपके जप और तप में फर्क पड़ेगा। हाउ मेनी आर डूइंग द डेली आरती ऑफ द माता जी? हाथ उठाए भारती, वर्षा, अंजू जी। बस आज से ध्यान रखें कि पहला दिन है ना, तो आरती भी उतारेंगे तो अपन किस प्रकार उतारेंगे, आपको सिखाया मैंने, कर रहे हैं ना तीन बार, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरों को ही संदेश दें, आपके तीन चक्र तो ऑलरेडी एक्टिव, तीन माता के तीन रूप होते ना, है ना, वो तीन रूप तो आपके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हर शिव के साथ शक्ति जुड़ी है। बगैर शिव शक्ति के बिना अधूरा, शक्ति शिव के बिना अधूरी। तो आज हमारा मूलाधार चक्र पर ध्यान है, जिसे हमारे ग्रंथों के हिसाब से शैलपुत्री बोलते, पहला दिन शैलपुत्री। तो आपको नौ दिन कनेक्ट कैसे करा ये बताना जानना जरूरी है, लेकिन मैं आपके सामने बड़ा प्रायोगिक बात करूंगा कि एक हफ्ते क्या दो हफ्ते बाद भी आपसे कोई पूछ ले कि यार भाई माता जी का फर्स्ट डे कौन सी माता जी, बोले नहीं फर्स्ट डे तो हमारे रूट चक्र को डेडिकेटेड होता है, बस इतना काफी है। देखिए हम लोग गृहस्थ के लोग हैं, हमारे पारिवारिक जवाबदारी, रागनी बिचारी, खाना बनाते बनाते सेशन अटेंड करनी, हमको इतने आध्यात्मिक नहीं हो सकते। वह लोग हैं जो दो नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, गुप्त नवरात्रि, वो केवल साधु संतों के लिए होती है, बाकी दो नवरात्रि हमारे लिए होती विशेष। तो हम वो दो नवरात्रि पे ज्यादा वो भी नहीं करते। सामान्यतः वो लोग लाल पोषक लोग जो अपने काम कराना चाहते हैं, इच्छा चाहते हैं, अपने आप से हार जाते हैं, अपनी समस्या का समाधान अपने में ना देख किसी और में देखते हैं, वो बोलेगा गुप्त नवरात्रि आ रही है, अरे पंडित जी मेरा काम करवा दो। अरे आपकी शक्ति, आपका शिव आपके साथ है, मान लो। नवरात्रि को सफल करना है, आरती करो, जो आपको सिखाया गया परंपराएं विधाएं सब करो, बट पहले दिन अपनी आंखें बंद कर कुछ टेलीफोन पर ध्यान करो। यस यस। तो अभी जो नवरात्रि हम प्रारंभ करेंगे, नवरात्रि के गान चालू करेंगे, तो हम क्यों ना भाई पहले माता जी के नवरात्रि के जगराते क्यों होते हैं मालूम है ना आपको? आपको बता दिया ना जगराते क्यों होते हैं, आपको बता ले कौन अनम्यूट कौन है, कोई अनम्यूट प्लीज म्यूट कर लो। हाँ, तो माता जी के चार लाइन हम गाते हैं, क्योंकि माता जी के को बुलाने के लिए उनका गान ज्ञान तो जरूरी है, है ना। तो आज हम गान गाते हैं, आज से नवरात्रि के जयकारे लेंगे कि नवरात्रि के जयकारे हम सब मिलकर गाएंगे। ये पहले भी सुनाता हूँ, हर बार सुनाता हूँ, मेरे बड़े भाई सीके मिश्रा, चंद्रकांत मिश्रा जी ने लिखी है, मैंने उनको फोन लगाया था कि अगर वो आते मैं साक्षात उनके मुंह से सुनवाना चाहता हूँ, और विश्वास दिलाता हूँ नौ दिन में, अरे उनकी लेखनी में इतना पावर है, क्या शब्द लिख दिए, क्या कोई बड़ा आध्यात्मिक संत लिखेगा। वह ग्रस्त इंसान का पावर, मात्र के समर्पण पावर। उनकी कुछ लाइनें आज सुनाता हूं। खिल खिल उठे हैं चेहरे, खिल खिल उठे हैं चेहरे माँ तेरे भक्त जन के, खिल खिल उठे हैं चेहरे माँ तेरे भक्त जन के, लो आ गए नवरात्रे प्यासे तेरे दर्शन के, खिल उठे हैं चेहरे, मतलब आज क्राइम आंखों में आंसू आने लगते। और यही उन्होंने लिखा था माता जी के स्वागत में, जो लाइनें लिखी है वो मैं एक लाइन वापस पढ़ रहा हूँ आपके सामने, और आप लोग आंखें बंद करके माँ नवरात्रि, जिस भी माँ से ऊर्जा से जुड़े हुए हो उनको याद करें, नहीं हो तो अपने मूलाधार चक्र पर मेरे ध्यान रखकर इन मेरे भजन की लाइनों पर गौर करें। गुरु जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, बंद कर दीजिए आप। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। आंखें बंद, जो भी माँ को आप करें, विष्णु देवी माँ, जो भी कुल देवी आपकी, जो भी माँ को याद करना चाहते हैं याद करें। बिकम अवेयर ऑफ योर टेलबोन, मूलाधार चक्र पर पूरा ध्यान, आंखें बंद।
चेहरे पर मुस्कान एक मस्ती की भाव के साथ, लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे, लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे, आए नवरात्रे, देखो आए नवरात्रे, आए नवरात्रे, देखो आए नवरात्रे, लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे, आए नवरात्रे, देखो आए नवरात्रे, आए नवरात्रे, देखो आए नवरात्रे, लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे, के धूम मची है शहरों में गली गली चौपाल, धूम मची है शहरों में गली गली चौपाल, अरे धूम मची है शहरों में गली गली चौपाल, अरे बूच में माता मूरत तेरी नाचे तेरे लाल, देखो आए नवरात्रे, लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे, कोई करे व्रत लोंग से तेरा, कोई करे व्रत लोंग से तेरा, कोई करे फलहारे, देखो आए नवरात्रे, के श्रद्धा भक्ति के दीप जले हैं, श्रद्धा भक्ति के दीप जले हैं, घर घर उगेंगे ज्वारे, देखो आए नवरात्रे, लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे, के मैया तेरी आरती गाए सुबह शाम, मैया तेरी आरती गाए सुबह शाम, अरे मैया तेरी आरती गाए सुबह शाम, अरे विघ्न हारणी पाप तारणी कर सबका कल्याण, देखो आए नवरात्रे, लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे, अरे पूजन अर्चन मैं ना जानू, जानू तेरा ध्यान, पूजन अर्चन मैं ना जानू, जानू तेरा ध्यान, पूजन अर्चन मैं ना जानू, जानू तेरा ध्यान, अरे विघ्न हारणी पाप तारणी कर सबका कल्याण, देखो आए नवरात्रे, लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे, आंखें बंद, आईज क्लोज, बिकम अवेयर ऑफ योर टेलबोन, पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ऑल अटेंशन ऑन योर टेल, सोचें, कल्पना करें, महसूस करें, थिंक इमेजिन एंड फील दैट योर नोस्ट्रल्स आर इन ए प्लेस ऑफ टेलबोन, आपकी नासिकाएं आपके टेलबोन पर हैं, इनहेल फ्रॉम टेलबोन पर नासिकाओं की कल्पना करें, एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे होल्ड ऑन थ्रोट एरिया, and release again on your
रूट चक्र टेल बोन, पुनः रूट चक्र पर इंजेक्ट करें, इन एक्सहेल करें. टेक 11th ब्रेथ, इनहेल फ्रॉम टेल बोन विद द स्पाइन, होल्ड ऑन योर थ्रोट एरिया एंड अगेन एक्सहेल ऑन योर टेल बोन. 11 बार करें, 11 टाइम. Keep breathing, श्वास लग रहे हैं. पूरा ध्यान अपने मूल आधार चक्र पर, होल अटेंशन ऑन द टेलबोन. जगदम्बे अम्बे दुर्गे चामुंडे मां भवानी तु, जगदम्बे अम्बे दुर्गे चामुंडे मां भवानी तु, सुख करणी दुख हरणी नवरात्रि महारानी तू, जगदम्बे अम्बे दुर्गे चामुंडे
माँ भवानी तू सुख करणी दुख हरणी नवरात्रि महारानी तू है माँ बीजासनी सिंहासनी हंसासनी कल्याणी तू माँ लक्ष्मी का वैभव है माँ अन्नपूर्णा सीदानी तू है माँ सरस्वती की वीणा लहरे राग रागिनी तू सुख करणी दुख हरणी नवरात्रि महारानी तू है माँ रूपम अनेकम मातुवेकम रूपम अनेकम मातुवेकम रूपम अनेकम मातुवेकम रागिनी कल्याणी तो माँ लक्ष्मी का वैभव है माँ अन्नपूर्णा सीदानी तो जगदम्बे अम्बे दुर्गे चामुंडे माँ भवानी तो सुख करणे दुख हरणी नवरात्रि महारानी तू अपनी नाभि पर अपना ना हो टेंशन ऑन योर नेवल एरिया एंड चेंट ओम नाभि पर ध्यान ओम की चेंटिंग करेंगे बिकम अवेयर ऑफ योर हार्ट चक्रा एंचेंट नमः थर्ड आईज चेंज शिवाय अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए शिवाय का उच्चारण करेंगे
याद करें व्हेन यू आर टू यंग, एक छोटी नन्ही बेटी थी आप, बालिका थी, माता जी का बोल लोग आपको भोजन के लिए बुलाते थे, माता का स्वरूप। रिकॉल योर मोमेंट्स व्हेन यू आर 7 8 ईयर ओल्ड एज ए डॉटर। दैट्स द शैल पुत्री रो, बिकम अवेयर ऑफ द माउंटेन्स, द हिमालयाज डॉटर शैल पुत्री, सेम एनर्जी इन योर बॉडी व्हेन यू आर यंगर इन एज। अपने वह पल याद करें जब आप छोटे थे आयु में, ऑल द पावर्स डिलीवर बाय माता, सभी शक्तियों का रूप मां के स्वरूप में है। एक पुत्री के रूप में जब आप छोटे थे याद करें उन पलों को, बिकम अवेयर अगेन ऑन योर रूट चक्रा, जो भी चल रहा है चलने, वट एवर थॉट वॉन्ट टू कम अलाउ, जस्ट रिलैक्स द बॉडी, अटेंशन ऑन योर रूट चक्र। Just offer the blessing to all over the divine. एक पुत्री भाव से जो भी मन से निकले, let's pray, heal and bless to all over the globe. शैलपुत्री विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शैलपुत्री प्रचोदया।
बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ. तम सोम ज्योतिर्गमय शांति शांति शांति. मुस्कुराते मुस्कुराते आसपास के वातावरण का ध्यान रखते हुए, अलोंग विथ अ स्माइल टेक योर ओन टाइम, यू कैन ओपन योर आईज स्लोली. अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते. Blessings. Keep the glass of water. Cover by right hand. Pani ka glass cover kare. Right hand there. Again recall when your 7-8 year old daughter or male bhi apne aap ko jab bacche the ab kar yaad kare. Entering the water. यह हमारा था ओ माय गॉड. ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू. अब देखो आज हमने वो गाया ना, माँ सरस्वती की वीणा ले सुर राग रागिनी तू, तो रागिनी का चेहरा ध्यान आ गया. भारत करो को भारती, तो हमारी भारती का चेहरा ध्यान आ जाए. मैं चाहता हूं वह सभी रूप आप में है. हम अपने आप को उस एनर्जी को डिवाइन एनर्जी को देखिए आपसे बड़ा. देखिए आप जब 7-8 साल की थी, हमारे यहां प्रथा थी कि हम घर में माता बुलाते थे कन्या को, और कन्या जो जाते थे उस वक्त हम कुछ गिफ्ट मिलेगा इस उम्मीद में जाते थे. प्लीज बॉदर अबाउट दैट कि व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट. वी जस्ट गोइंग टू गेट इट. क्या मिलेगा, खूब सारा सामान इकट्ठे कर लेते थे. मेरे को रुमाल मिला, मुझे यहां से ये मिला, मुझे वहां से मिला. यस रिमेम्बर, है ना, इन इंडिया स्पेशली और नॉर्थ साइड. और वो लेकर दिखाते थे पड़ोस. वी लीज बॉदर अबाउट दैट. एंड दो जो बुलाता था वो हमारे पैर पड़ता था, हम आशीर्वाद दो, हम ब्लेस करते थे. व्हाट वॉज दिस? नाउ यू आर रियलाइजिंग वह नौ माता क्यों बुलाते थे घर में भोजन करने के लिए. नौ माता को बराबर लिफाफा देते थे, तिलक लगा के पूजा करते थे, खीर खाते थे. बच्चे खाते नहीं थे क्योंकि बच्चे 3-4-5 जगह पहले ही खा के आते थे. तो वह नौ माता हमारे रूप में ही है, हम उस रूप से गुजर चुके हैं. पहला पुत्र शेर पुत्री का रूप आप में है. तो वाई वी नॉट इनलाइटन दैट 9 रूपास इन अवर होल सेल्फ. All energies are lying here. और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो प्रोटेक्ट ऑल द एनर्जीज. दे आर देवी कवच, द डिफरेंट डिफरेंट देवीज आर देयर. तो इस पर मी वी बिलीव वी चेंट मंत्र शास्त्र गर हम काने में चले, लेकिन अल्टीमेटली वी विल इनलाइटन आवर दैट पार्ट. आज हमने जिस प्रकार मूलाधार चक्र पटेल पर काम किया, उसी प्रकार कल मंत्र के साथ, ध्यान के साथ, चक्र ज्ञान के साथ हम दूसरे चक्र पर ध्यान ले जाएंगे. यस आई होप एवरीबडी एंजॉय इट. एंड मैं ये चाहता हूं कोई भी आप काम करें तो उसको समझें. ओके नाउ अच्छा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू डिक्लेयर एनीबडी वांट टू परफॉर्म एनी माता स्तुति. But within 5-6 minutes, but if you can't to change the 10-15 minutes, it will disturb the session. So whatever under 5 minutes, 6 minutes, anybody want to perform,
यू आर मोस्ट वेलकम. यू कैन व्हाट्सएप मी, या मुझे बोल सकते हैं आप लोग. यू कैन जस्ट लाइक हाउ एलोवेली लास्ट टाइम यू चेंज सो ब्यूटीफुल कुंजिका स्त्रोत बसु जी. तो टुडे आई स्पोक विद बसु जी, टुडे अलॉटेड द वर्क टू द बसु जी. बसु जी, वुड यू लाइक टू परफॉर्म समथिंग? हेलो गुरुजी. अच्छा सर, आप वो परफॉर्म करें उसके पहले मैंने आज एक बात करी जिसका मेरा आने में 15 मिनट लेट हो गया गुरुजी, सॉरी. मैंने जो बोला वो समझा आपने, सुना? नहीं, 15 मिनट मेरा लेट हो गया. मैंने कहा एक बार आपस सुन लीजिए, बाद में लेट हुए. हमने सबसे पहले त्योहारों की शुरुआत गणेश चतुर्थी से करी. गणेश के हमने दुर्वा चढ़ाकर समर्पण किया, हरी हरियाली. उसके बाद जो नीचे का सूखा पार्ट होता है वो कुशा, उससे हमने हमारे पितरों को तर्पण किया. मतलब प्रकृति की हमने चीज दुर्वा को उपयोग किया. आज से क्या हुआ, आज से पुनः वो ज्वारे बोकर परंपरा शुरू करी कि पुनः वह ग्रीनरी, वह हरियाली दुर्वा के रूप की, वो जो के ज्वारे के रूप में बोई. साइकिल ऑफ नेचर, नेचर नेचर का साइकिल को यूज किया हम लोगों ने. एनीबॉडी, मोस्ट ऑफ द पर्सन नॉट कनेक्टेड विद द फेस्टिवल टू फेस्टिवल लाइक दिस. एज पर मी, मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा ऐसा कि कहां कुशा का प्रयोग होता है. नीचे का प्रयोग इसलिए होता है कि भूखा रह गया था और उसके बाद नवरात्रि होती, नवोत्सव. तो मतलब ये बाहर की प्रकृति भी आपके त्योहारों से जुड़ी हुई है. हाउ सेल्यूट टू ऋषि मुनि, हाउ दे डेडिकेटेड कनेक्टेड विद द डिवाइन, को मालूम ही नहीं था उस वक्त. हाँ बस, यू वुड लाइक टू परफॉर्म समथिंग? हाँ गुरु जी, दुर्गा सप्तशती. दो तीन मिनट लगे. ये बड़ा अच्छा, ये संक्षिप्त की दुर्गा सप्तशती बता रहे हैं. ये पढ़ के, ये वर्ड सुनकर ही हमें पूरे पाठ का लाभ मिलेगा, जिस प्रकार कुंजिका स्तोत्र को मिलते हैं. हाँ बसो जी, स्वागत है आपका. नमस्कार. नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु. सप्त श्लोकी दुर्गा. शिव उवाच, देवी तं भक्त सुलभे सर्व कार्य विदेनी कलौ हि कार्य सिद्धर्थम उपायं गृह्णि यत्नत. देवी उवाच, श्रीनुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहनाप्य नास्तुति प्रकश्यते. ओम अस्सी दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र सा नारायण ऋषि अनष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रत्यतंग सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग. ओम ज्ञान नाम रूपी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा विश्व महाया महामाया प्रयच्छति. दुर्गे स्वीता हर्षि भीति मशयंत सस्ते स्मिता मति मति वसुभांग ददासी. दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वपकार कारण सर्वात्र चित्रा सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते. सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभद्राणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते. रोगानुशेषानुपहंसि तुष्टा रुष्टा दुःखामानो सकलाविष्टं तमाश्रितानां विपावनारं तमाश्रितहस्रयतं प्रयन्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोक सकलेश्वरी एवमेव तया कार्यमस्मदैर्विनाशनम् इति श्री दुर्गा सप्त श्लोकी दुर्गा सम्पूर्ण. How beautifully performed by Basuji and everybody listening properly. देखिए, पाठ मंत्रों का उच्चारण आपको सुकून पहुंचाए, शरीर को चार्ज करे, इसके लिए होता है. कोई अपेक्षा के लिए नहीं होता. अब एक देवी कवच भी हो, देवी आपकी ऑलरेडी रक्षा कर, संरक्षा कर रही है. एक एक कल्पना करिए, बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं. एक और इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती. सो आई एम, एक बात बताइए, एक बच्ची है 4 साल की, उसको पिन कर दीजिए गुरुजी, आपको स्क्रीन. ओह माय गॉड, दे आर सो ब्यूटीफुल वर्ड्स. बहुत अच्छी बात बोलूंगा अभी आपको. मतलब इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं. हो गया. ये क्या बेटे का ना,
एक बात बताइए, आप जब भी आप मां की आराधना करते हैं, मां से कुछ मांगते हैं, कल्पना करें कि आप 4 या 5 साल के 6 वर्ष के बालक हैं या बालिका हैं और अपनी मां की गोद में आप हैं, उस वक्त कभी कोई प्रार्थना करते हैं क्या, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भगवान ये दे दे, करते हैं प्रार्थना? तो जीवन में कभी भी कोई साधना आराधना उसी प्रकार करो जिस प्रकार आप अपनी मां के आंचल में हो, पूरे सुरक्षा कवच में हो, तो आपकी प्रार्थना आराधना एक कृतज्ञता के रूप में जाकर एक अलौकिक परिवर्तन ला देगी। हम हमेशा अपना कर्ता भाव डाल लेते हैं, अरे भगवान मैं दुर्गा कवच पढ़ूंगा तो मेरा सुरक्षा, अरे कौन, तुम्हारी सुरक्षा तो ऑलरेडी है, माँ के पालने में 4 महीने के हो तुम, 4 साल के हो, माँ के आंचल में हो, माँ के आंचल से बड़ा कोई सुरक्षा है नहीं। इसी प्रकार जब भी कोई आराधना करो, साधना करो, मंत्र पढ़ो, जप करो, उसी प्रकार की माँ के शरण में तो आप हो ही। मेरा आपसे निवेदन, कल जब भी करो तो बहुत बालक बन के करने का, बाल्य भाव के साथ। बाल्य भाव जब ले आओगे तो सुरक्षा भाव, माँ का आंचल, पिता का साहस, सब कुछ आपके पास एकत्रित हो। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मिलेंगे कल 8:30 बजे दूसरी माँ के ज्ञान के साथ और दूसरे चक्र स्वादिष्टान की यात्रा के साथ। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, ममतामयी मुस्कान आपकी तो कृपा करे, आप अपनी ममतामयी भाव के साथ सज्जगत का कल्याण करने में प्रार्थना जरूर करें। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।